ऑल राइट फीडबैक फैमिली। सो आपके लिए जीबीएल का सीजन 9 आ चुका है एंड जीबीएल की मैं बात करूं तो ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं होते हैं, ऑलमोस्ट सभी चीजें सेम होती हैं, लेकिन हाँ सभी सीजन के साथ में कुछ ना कुछ चेंजेस करता रहता है नियंटिक एंड पॉकमोन को। एंड इस बार आपके लिए क्या चेंजेस हैं वो मैं आपको बताऊंगा एंड ऑल्सो यहाँ पर आपके लिए क्या स्ट्रेटजी हो सकती है कि आप विन करें एंड आपके लिए क्या क्या रिवॉर्ड्स हैं, अच्छे अच्छे रिवॉर्ड्स हैं, कुछ न्यू रिवॉर्ड्स हैं, कुछ सेम रिवॉर्ड्स हैं जो शायद आपको पता हो या फिर ना पता हो, वो सब कुछ मैं बात करूंगा इस वीडियो में। सो आपके लिए जीबीएल सीजन 8 आपके लिए ऑलमोस्ट एंड हो जाएगा अगस्त 30 तक एंड उसके बाद आपके लिए यानी कि अगस्त 30 से ही आपके लिए स्टार्ट हो जाएगा जीबीएल सीजन 9। एंड मैं आपको ये भी बता दूं जैसे ही कोई सीजन एंड होता है तो आपकी जो भी रैंक होती है सीजन 8 में, जैसे मान लीजिए मेरी इस समय सीजन 8 में गो बैटल लीग के सीजन 8 में मेरी रैंक 20 है, सो जैसे ही यहां पर सीजन 9 आ जाएगा मेरी रैंक फिर से यहां पर 0 हो जाएगी, मुझे फिर से स्टार्टिंग करनी होगी 1 2 3 4 5 6 यहां तक रैंक अपग्रेड करनी होगी, मुझे बैटल्स विन करनी होगी, देन यहां पर सब चीजें चलती रहेंगी एंड फिर से मुझे यहां पर रैंक 20 तक आना पड़ेगा या फिर कहूं तो उससे भी आगे और कुछ रैंक होती हैं वहां तक आना होगा अगर मैं आ पाता हूं तो। तो यहां पर आपके लिए क्लियर हो गया होगा आपको सब चीजें फिर से करनी होती है, तो एक अलग सा एक्साइटमेंट है, अलग से चैलेंजेस होते हैं जब भी यहां पर रीसेट होती है या फिर कहूं तो नया सीजन आता है गो बैटल लीग का। एंड यहां पर फ्रेंड्स सीजन 9 में आपके लिए जो इंटरेस्टिंग चीजें वो हैं फ्रेंड्स, गो बैटल नाइट जो आपके लिए हुआ करती थी वो अब आपके लिए हो चुकी है गो बैटल डे। सो गो बैटल डे के दिन यानी कि उसी एक दिन में आप यहां पर 100 बैटल्स कर सकते हैं, यानी कि 100 बैटल कर पाएंगे। सो आप यहां पर पूरे दिन 100 बैटल कर पाएंगे एंड ऑल्सो यहां पर आपके लिए 4x स्टार्डस का रिवॉर्ड भी होगा, विन रिवॉर्ड भी होगा। सो या ये कुछ बोनस है आप सबके लिए। एंड ऑल्सो यही भी बता दूं यहां पर फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपके लिए ग्रेट लीग होगी जहां पर आप 1500 सीपी से ज्यादा के पॉकमोन नहीं ले जा सकते हैं, वो बैटल होगी, देन यहां पर वो एंड होती है, फिर से यहां पर आपके लिए अल्ट्रा लीग स्टार्ट होती है जहां पर आप 2500 सीपी से ज्यादा के पॉकमोन नहीं ले जा सकते हैं, उससे कम के ले जा सकते हैं, सो वो आपके लिए स्टार्ट होगी, फिर वो एंड होगी, फिर आपके लिए मास्टर लीग स्टार्ट होगी, मास्टर लीग में आप यहां पर कोई लिमिट नहीं होती आपकी सीपी के लिए, फिर से वो एंड होगी, फिर से ग्रेट लीग आएगी, फिर से अल्ट्रा लीग आएगी, ये सब चीज़ें, और फिर एक टाइम पर ये तीनों साथ में आ जाएंगी। सो या ये चीज़ें सब आपके लिए होती रहती हैं इन टाइम पर एंड अलग अलग कब भी आएंगे, जैसे हेलोवीन इवेंट आएगा जब पॉकमोन गो के अंदर, सो यहाँ पर आपके लिए हेलोवीन मैं बात करूँ यहाँ पर हेलोवीन कब भी आएगा जीबीएल के अंदर, सो वो भी आप इंजॉय कर सकते हैं। हेलोवीन कब आपके लिए स्टार्ट हो जाएगा अक्टूबर 15 से, सो या वहाँ पर कुछ लिमिटेशन होंगी, आप यहाँ पर घोस्ट टाइप पॉकमोन, पॉइजन टाइप पॉकमोन्स, कुछ ऐसे टाइप के पॉकमोन्स ही ले जा सकते हैं, वो सारी चीजें होंगी। एंड ऑल्सो यहाँ पर मैं बात करूँ पॉकीमोन्स की, क्यों आपको पता होगा जो 5 सेट होते हैं मीन्स जो आप एक बार में 5 बैटल्स विन कर सकते हैं, जो यहाँ पर थर्ड जो बैटल आप विन करते हैं अगर आप वहाँ तक बैटल विन कर गए हैं, मतलब थर्ड तक आप बैटल विन कर चुके हैं, 3 बैटल आप विन कर चुके हैं एक बार में, तो आप उसके थ्रू एक पॉकमोन गेट कर पाते हैं थर्ड वाले में, तो वहां पर जो पॉकमोन्स होंगे वो भी आपके लिए इंटरेस्टिंग हो गए, मीन्स थोड़े से डिफरेंट्स हैं, ज़्यादा चेंजेस नहीं है, ज़्यादा चेंजेस करता भी नहीं है पॉकमोन को गो बैटल में, जो पॉकमोन्स होते हैं जो आपको मिलते हैं उनके थ्रू। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपके लिए इस टाइम चार्जार्ड भी अवेलेबल होगा, जो आपको दिख रहा है चार्जार्ड अवेलेबल होगा, वो शाइनी भी अवेलेबल होगा, तो आप शाइनी भी लक हुआ आपका तो उसके थ्रू गेट कर सकते हैं। एंड ऑल्सो और भी कुछ पॉकमोन्स हैं, जैसे आप यहाँ पर रैंक 6 पर आ जाएंगे तब आप यहाँ पर मियानफो भी गेट कर पाएंगे, यस, एंड देन उसके बाद यानी कि वो और ऐड हो जाएगी आप सबके लिए, एंड आई थिंक वो रैंक 6 पर आपके लिए गारंटेड होगी कि वही आपको मिलेगी, एंड ऑल्सो वो ऐड हो जाएगी फिर हमेशा के लिए, फिर आपकी रैंक 7 8 9 10 तक सेम चीजें चलेंगी। एंड जैसे ही आपके यहाँ पर रैंक 11 आ जाएगी आपके लिए कुछ न्यू पॉकमोन्स जैसे यहाँ पर सेस्मिटॉट वो तो रहेंगे जो अभी तक थे आपके लिए वो रहेंगे, उसके साथ ही साथ ये पॉकमोन भी ऐड हो जाएंगे, एंड इनमें से आपके लिए कोई भी यहाँ पर खुल सकता है या फिर कहूँ तो कोई भी एनकाउंटर में आ सकता है, वो जस्ट एक रैंडमली होगा, वो कुछ भी फिक्स नहीं होता। यस यहाँ पर कुछ जैसे न्यू पॉकमोन में बात करूं यहां पर सेस्मिटॉट की, बात करूं यहां पर राइडॉन की, फ्रिलिश की जो आपके लिए होगी पहले अभी भी थी और फिर से रहेगी यहां पर, तो या ये कुछ पॉकमोन्स होंगे आप सबके लिए। एंड रैंक 16 पर जैसे आप आएंगे आपके लिए स्नॉरलैक्स और फ्लेट और भी कुछ पॉकमोन्स ऐड हो जाएंगे, सो या ये कुछ पॉकमोन्स ऐड हो जाएंगे। एंड साथ ही साथ एक और बात बोलना चाहूंगा, रैंक 20 पर आप जैसे ही आएंगे जीबीएल के सीजन 9 में या फिर कहूं तो हां जीबीएल के सीजन 9 में, 10 में तो पता नहीं कुछ और कर दे पॉकमोन को वो तो नहीं मुझे पता, लेकिन सीजन 9 में भी आप जैसे ही अगर यहां पर रैंक 20 पर आएंगे तो आपको जो पॉकमोन यहां पर अवेलेबल है रीड्स में लेजेंडरी पॉकमोन वो भी आपको मिल जाएगा, मींस वो भी ऐड हो जाएगा जैसा अभी तक होता आता है। सो या सितंबर अक्टूबर एंड नवंबर में जो भी लेजेंडरी पॉकमोन आएंगे वो आप जीबीएल के थ्रू भी गेट कर सकते हैं रैंक 20 पर आने के बाद। सो या ये कुछ चीजें होंगी आप सबके लिए, न्यू पोज होंगे, न्यू एवेटार आइटम्स होंगे आपके लिए, जैसे मैं बात करूं यहां पर पिकाचू लिब्रे क्लॉथ्स, वो अगर आप यहां पर रैंक 3 पर आ जाते हैं
वो आपको मिल जाएगा। ऑल्सो मैं बात करूँ यहाँ पर एलाइट चार्जियम, एलाइट फास्टियम, वो भी आपको देखने को मिल जाएंगे जैसे आप यहाँ पर रैंक 19 पर आ जाते हैं। एंड जो मैं बात कर रहा था यहाँ पर रैंक 21, 22, 23, 24, ये जो चीज होती हैं इनको यहाँ पर रैंक 21 न बोलकर यहाँ पर रैंक 21 को ग्लोव्स, रैंक 22 को यहाँ पर कैप, रैंक 23 को यहाँ पर शॉर्ट्स एंड रैंक 24 को यहाँ पर टॉप एंड पोज, ये सब रैंक होंगी आपके लिए, वहाँ भी आ सकते हैं। वो और थोड़ी हार्ड हो जाती हैं लेकिन रैंक 20 तक तो आप एटलीस्ट आ ही सकते हैं किसी भी सीज़न में, अगर आपके पास एक ठीक ठाक टीम भी है, अगर GBL की आपको ठीक ठाक नॉलेज भी, आप ज़्यादा प्रो नहीं है उसमें, ज़्यादा नॉलेज भी नहीं है, मुझे भी पर्सनली इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है लेकिन हाँ ठीक ठाक टीम मुझे आती है, ठीक ठाक बैटल्स आती हैं, तो मैं यहाँ पर रैंक 20 तो इजीली आ जाता हूँ किसी भी सीज़न में, उससे आगे मैं कभी कभी जा पाता हूँ। जैसा कि इस बार मैं रैंक सीज़न 28 में मैं 20 पर ही हूँ। पर्सनली मैं बात करूँ यहाँ पर आपके लिए कुछ न्यू अटैक्स भी होंगे, जैसे अब मैं बात करूँ यहाँ पर जैसे वेदर बॉल जो अटैक आप सबके लिए, वेदर बॉल अटैक क्या होता है आपके लिए, आइस में भी आ जाएगा आपके लिए एंड ऑल्सो मैं बात करूँ वाटर में भी, फायर में भी आ जाएगा आप सबके लिए, यानी कि धीरे 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 अवेलेबल हुआ है, ऐसा नहीं कि एक बार में हो गए थे ये वाटर वेदर बॉल, लेकिन इस बार सीजन 9 में आपके लिए वेदर बॉल, नॉर्मल टाइप वेदर बॉल अटैक भी ऐड हो जाएगा आप सबके लिए। सो या ये कुछ अटैक्स होंगे एंड ऑल्सो और भी कुछ अटैक्स में चेंजेस है जो रिसेंट मैं आपको शो कर रहा हूँ, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं एंड यहाँ पर आप जस्ट अपनी टीम को जस्ट बिल्डअप कर सकते हैं अगर आपके पास एक अच्छे पॉकमोन्स हैं, सो जरूर यहाँ पर टीम बिल्डअप करें। जो यहाँ पर आपके लिए जंगल कप होता है, जंगल कप आपको पता है 500 CP मीन्स यहाँ पर आपको उससे ज़्यादा CP के पॉकमोन आप नहीं ले जा सकते हैं, वो कुछ आपके लिए कप होंगे। हेलोविन कप होंगे, वहाँ पर आप 1500 CP से ज़्यादा के पॉकमोन नहीं ले जा सकते हैं आपके लिए। स्पेशल कप्स भी आएंगे, सो या ये कुछ चीज़ें हैं जो आपके लिए आती रहेंगी। हेलोविन कप मैंने आपको बोल दिया एंड ऑल्सो यहाँ पर आपके लिए गो बैटल नाइट से गो बैटल डे हो चुका है अब आपके लिए। सो या ये कुछ चेंजेस हैं, अब आप बताना आप कितना इन्जॉय करते हैं। आप इसके थ्रू मैं बता दूँ यहाँ पर आप शाइनी स्नॉरलैक्स भी गेट कर सकते हैं, आप शाइनी चार्जर्ड भी गेट कर सकते हैं, शाइनी लेजेंडरी पॉकमोन्स भी गेट कर सकते हैं, शाइनी डेइनो भी गेट कर सकते हैं, उसकी रैंक 22 होगी यानी आपको वहां तक पहुंचना होगा। ऑल्सो यहाँ पर और भी कुछ शाइनी पॉकमोन्स, कुछ अच्छे आईवी के पॉकमोन्स, 100 आईवी पॉकमोन्स जैसा मैंने आपको बोला इसके थ्रू भी आपको मिलते हैं मोस्ट ऑफ टाइम। ये कुछ चीजें तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, एक अच्छी सी टीम बनाओ एंड बैटल करो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी, मैं वीबैक मिलता है किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वीबैक फैमिली को वीबैक की तरफ से बाय।